अपने दाहिने हाथ की हथेली में तलिक जल लेंगे और पहली बार आचमन करेंगे। बाएं हाथ की हथेली में जल लें और दाहिने हाथ की अनामिका और मध्यमा से अपने दाहिने करमशय और बाएं अंगों का स्पर्श करेंगे। ओम वाम में आस्य अस्तु, ओम सौर में प्राणोर अस्तु, ओम अक्षयोर में चक्षुर अस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु, ओम बाहोर में बलम अस्तु, ओम ऊर्वोर में ओजो अस्तु, ओम अधिष्ठानि में अंगानि तनस्तन्वानि सहस्रंतु। अर्थात ईश्वर स्तुति प्राणों को आत्मा में प्राण ध्यान मदन होकर के पिता परमात्मा की प्रार्थना स्तुति उपासना करेंगे। ओम स्वामी देव सवितः दुरितानि दराशुभ यद्वद्रं धन्य अशुभ तु सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है उसके कष्ट नष्ट हो जाते सब तेरे जो आता है सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे मंगल में गुण कर्म पदार्थ परमेश्वर हमको दीजे। ओम सुख स्वरूप दुख काता है सूर्य चंद्र लोकादि को तू रचता और टिकाता है पहले था अब भी तू ही है घट घट में श्याम गोस्वामी योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम ये आप में कहां बरता यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषाभिधेम। तुम्ही आत्म ज्ञान प्रदाता सुयश बीज जगाते हैं तेरी शरण शरण में आकर भव सागर दर जाते हैं तुझको ही सपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझे लगन लगाने में। ओम यान को निमिष तो मई वही राजा जग तो प्रभु यही से अस्य दुष्पदा है कस्मै दे तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है मनुष्य और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे विदाते हैं भक्ति भाव से भेजे लेकर संसार में आते हैं। देवाय हविषाभिधेम
प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल गल गल खाया है। तो ही गौ विधाता कोशक तेरा ही हम ध्यान धरें। शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न प्रदेतान्यो विश्वासातानि परितां भूयः यत्कामास्ते जोमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रहिणा। तुझसे बड़ा न कोई जग में सच में कोई समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना उसमें आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। हे तो तनु आप दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम शनो बंधुर्जनिका सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व यत्र देवामृत मानसानास्ति ये धामन धैर्यंत। गुरु है प्रजेश भी तू है पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा मन कहूं तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भवबंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है असल द्वैत महाप्रभु सर्वकाल का ज्ञाता है। ओम अरने नाय सुपधारा हे अस्मान विश्वानि देव भयो नानि विद्वान यो यो जस्मे जो सबका सृजन हार तुही रसना निस दिन रटे तुनी को मन में बसना सदा तुही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजे यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजे यही विशद वरदान। ओम भूर्भुवस्वः आत्मा जात वेदस्ते ने धस्व वर्धस्व
चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वचसे नान्यादेन समेधय स्वाहा इदम् अग्ने चातुर्वेदसे इदम् मम बोधयाति देवम् आस्मिन् हव्याजुहोतन ॐ सुसमिधाय शोचि से घृतन्ते संजुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नमः ॐ तन्त्वा समिधिरङ्गिरो घृतेन वधयामसि शोचायाविष्टाय स्वाहा इदम् अग्नये अङ्गिरसे नमः ॐ आयान्त इदम् आत्मा जात वेदस्ते नेधस्वधस्व चेदवधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वचसे नान्यादेन समेधय स्वाहाग्नये जात वेदसे नमः ॐ आयान्त इदम् आत्मा जात वेदस्ते स्वचेदवधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वचसे नान्यादेन समेधय स्वाहा इदम् अग्रे जातवेदसे नमः ॐ आयान्त इदम् आत्मा जातवेदस्ते नेधस्वधस्व चेदवधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वचसे नान्यादेन समेधय स्वाहा इदम् अग्रे जातवेदसे नमः ॐ आयान्त इदम् आत्मा जातवेदस्ते नेधस्वधस्व चेदवधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वचसे नान्यादेन समेधय स्वाहा इदम् अग्रे जातवेदसे नमः ॐ आयान्त इदम् आत्मा जातवेदस्ते नेधस्वधस्व चेदवधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वचसे नान्यादेन समेधय ॐ अदिते अमन्य मधुमते अमन्यं स्वः ॐ सरस्वत्यमन्यं स्वः ॐ देव सवितः पशुयजपतिम्बकाय दिव्यो गन्धर्वः केतको केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति
सजो देवे न सविता सजो रुषसेन्द्र भत्याजुषाण सूर्यो वे तो ओम ये देवानां
यजिया यजियानाम मनो जगतामृतारितज्ञाः संतानुर्गायम् मध्ये यूयम् पातर स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा। ॐ येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयुषु देव अदितिर अदिर्ब्रह्मा उक्षुष्मान् विश्वांस्वन् स्वत्ता आदित्या अनुमदा स्वस्तये स्वाहा। ॐ नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृततमानसोः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वस्मानं स्वस्तये वस्तये स्वाहा। ॐ सम्राजो ये सुहृदो यजम आयुरु परिहविता दधिरे दिविक्षयम अराता आ विवासा नमसा सुवृत्तिविन अहो आदित्याम अविदितिम स्वस्तये स्वाहा। ओम को वास्तो मम राजति जम विश्वे जम जुजो सता विश्वे देवासु मनुषो यतिष्ठन् को वो अद्वरं तु विजाता अरं कद्यो नः प्रसद्यतः स्वस्तये स्वाहा। ओम येभ्यो होत्रं प्रथमा मा ये मनु समिदाग्निं मनसा सप्त होत्रिभिः त आदित्या अभयं शरम यतत सुगा नः करत सुपथा स्वस्तये स्वाहा। ओम या ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर् जगतस्तमन्तवः तेन कृता दकृता देन सुस्पृजा पितृता स्वस्तये स्वाहा। Oh, no.
You all a very happy new year. Today we have with us worthy treasurer of DAV CMC and manager of our school, Shri Nanak Chandji. Sir is father figure for team DAV Thermal. Under his able guidance and dynamic leadership as manager, your team at DAV Thermal assure you, sir, that we will leave no stone unturned to take DAV Thermal Panipat to scale greater heights with each passing day. Now, not taking much time, I request my colleague Mr. Deepak to turn his camera towards manager sir, so that we get the blessings on the occasion of new year from sir. Sir, please. Namaskar. Varsh 2021 ki aap sabko हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए खुशी और खुशहाली का वर्ष रहे, आपका स्कूल और आगे बढ़े, नई तरक्की करे और अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त हो। इस संकट काल में आप सब ने जिस तरीके से, जिस मेहनत से अपना काम किया, उसका कारण है, उसी के कारण आज आपके स्कूल का सारे क्षेत्र में नाम है। इस मेहनत के लिए मैं आप सबको, आपके प्रिंसिपल को, आपके शिक्षकों को, आपके स्पोर्ट्स स्टाफ को और अन्य कर्मचारियों और बच्चों को साधुवाद और बधाई देता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि
कि आपने अपनी मेहनत से पिछले सालों में डीएवी थर्मल को डीएवी के नगीने का एक ताज बना दी, ताज का नगीना बना दिया है, और मेरे सहयोगियों ने जितनी मेहनत से काम किया है, बिना किसी संकोच के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के, उसी का नतीजा है कि आज सब हमारी तरफ आकर्षित है। मैं इस अवसर पर ये घोषणा कर देना चाहता हूँ कि हम डीएवी के थर्मल के कर्मचारियों को 12% डीए देते थे, इस बार दिसंबर की जो सैलरी है उसमें 5% ऐड करके 17% डीए हम देंगे। मैं इस सब के लिए डीएवी सीएमसी का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात कि हमने 19-20 में जो फीस ली थी 2019-20 में, हमने 2020-21 में महामारी के कारण और सरकार के नियमानुसार सरकार की बात मानते हुए उसको भी 19-20 की फीस को 20-21 में लिया, और 21-22 में भी वही फीस लेंगे हम। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम जो फीस कम ले रहे हैं उसका मकसद धन कमाना नहीं है। डीएवी एक संस्था है जिसका 100 साल से पुराना इतिहास है, और ये संस्था लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, देश के निर्माण के लिए काम करती है, बच्चों के भविष्य के लिए काम करती है, बेहतर और मजबूत देश बनाने के लिए काम करती है। आइए आप आइए हमसे जुड़ें, अपने बच्चों को भेजें, हमारे स्कूल में सीमित सीटें हैं, और आपके बच्चों को मिलेगा खुला आकाश, अच्छे बढ़िया मैदान, तमाम तरह की खेल की गतिविधियां, और कुशल और प्रतिभाशाली और मेहनती शिक्षक। आइए, सीमित सीटें हैं, दाखिला लें हमारे स्कूल डीएवी पब्लिक स्कूल थर्मल कॉलोनी पानीपत। अगर आप आकर देखेंगे हमारे बच्चे किस तरीके से स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं, और कितने बच्चों ने स्विमिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, रजत पदक प्राप्त किए हैं। हमारे यहाँ घुड़सवारी है, संभवतया हरियाणा के किसी स्कूल में घुड़सवारी नहीं है, और डीएवी के तो किसी भी स्कूल में नहीं है। आप देखें किस तरीके से घुड़सवार अपने कर्तव्य दिखाते हैं और प्रतियोगिताओं में जीत कर आते हैं। इसी तरीके से हॉकी, क्रिकेट, कोई खेल ऐसा नहीं है जिसमें हमारे विद्यार्थी पीछे हो। स्कॉलरस्टिक एक्टिविटीज़ में भाषण प्रतियोगिता हो, निबंध प्रतियोगिता हो, कविता प्रतियोगिता हो, हमारे बच्चे सबसे आगे रहते हैं और सब जगह अपनी सफलता की पताका फहराते हैं। यदि आपके बच्चे हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित मानिए उनका भविष्य उज्जवल होगा, और वो देश के एक बेहतर नागरिक बनेंगे, और हर मोर्चे पर वो आगे बढ़ेंगे, आकाश की ऊंचाइयों को नापेंगे, समुद्र की गहराइयों को नापेंगे, और एक स्वस्थ, सशक्त और मजबूत भारत के सूत्रधार बनेंगे। Happy New Year 2021, sir. Thank you so very much for believing in and your motivational words always, sir. My team DAV Thermal Panipat, Haryana joins me to assure you that we as team will leave no stone unturned to take DAV Thermal Panipat to scale greater heights with each passing day. Team DAV Thermal Panipat, Haryana will remain indebted to all the mentors of DAV College Managing Committee, New Delhi, our worthy Director Madam J. Kakariya Ji, for her kind concerns always, for sanctioning 5% hike and DA from 12% to 17% today as Happy New Year 2021. Precious gift to us all. Thank you so very much, ma'am. Father figure of our school, Shri Nanak Chandji, manager of the school, you have rightly said that DAV organization is non-profitable organization and is never and will never be after making money. Sir, as announced by you, DAV Thermal Panipat Haryana will follow all instructions in true letter and spirit, sir. There will be no fee hike in upcoming session 2021-22, including transport charges, sir. Here, I must clarify to all the stakeholders that fee
for session 2021, rather the fee which is chargeable for session 2019-20 means last year mentioned in Form 6 that was uploaded in December 2018 as ordered by Education Department Haryana, White orders dated 23rd April and 22nd May, and the fee structure which is mentioned in ERP and online school management for session 2019-20. There will be no fee hike in upcoming session 2021-22 too, sir, including transport charges. We abide by all the orders issued by you. Sir, kindly give me permission to share that we are left with very few seats in all the classes. So, the registration for coming session, upcoming session, that is 2021-22, will be open as you have announced today. Admission open up to 30th January 2021 only. And the entrance exam will be held in the second week of Feb 2021, and that will be purely on merit basis. In 2016 March, when I joined the school, and on result declaration day, I announced the days are not too far when name any company, students of DAV Thermal Panipat would be on top post. That batch, all the members who are able to attend this virtual annual function, I am sharing proudly, that particular batch is in their final year now, getting wonderful job offers, and in return, as principal, I am receiving many motivational messages from the parents, from the students, who remembered my saying, thanks to all the students, teachers and parents. Since November 25, 2020 to December, and how we teach, so will be the society. And Almighty has given us society. And Almighty has given us life. And the doctors are the angels on the earth, on this planet, who saved our lives. Today, on January 1, 2021, I proudly revise my targets. My dear students, alumni of DAV Thermal Panipat, my dear teachers, all the stakeholders, please note, I have revised my targets that the days are not too far that when alumni of DAV Thermal Panipat for sure conquer the world, they'll have their own startups. Name any country. Now I am saying, name any country where the alumni of DAV Thermal Panipat, Haryana, India will give jobs to the citizens of that country. The all alumni, I wish to repeat, please listen once again. The days are not too far that when alumni of DAV Thermal Panipat will for sure conquer the world, they have their own startups. Name any country where the alumni of DAV Thermal Panipat, Haryana, India will give jobs to the citizens of that country. All alumni, please take my words. Take my words by heart and raise the flag of DAV high, high and high. DAV Jai Jai. DAV Jai Jai. DAV Jai Jai. Happy New Year 2021. Thank you so very much. Now, I request Supervisory Head Mrs. Shikhi Singhal, over to you ma'am, kindly give what planning we have done for academic
session 2020-21. Rather, I must add what we have planned for our students for who are preparing for their board exams. Academic planning. Over to you, Shikhi ma'am. Thank you so very much. Thank you, ma'am. नए साल की इस पहली सुहावनी दोपहरी का सबको सादर नमन। सर्वप्रथम मैं आप सबका डीएवी थर्मल की ओर से हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सब स्टूडेंट्स व पेरेंट्स ने इस कोरोना काल में स्कूल का पूरा पूरा साथ दिया। आप सब ने हम टीचर्स को आगे बढ़ने वह कुछ नया सीखने में बहुत मदद की। स्कूल फिजिकल से वर्चुअल हो गया। हम सब टीचर ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आए, हमने उनको अपॉर्चुनिटी मानकर काम किया। यदि भी ये आसान नहीं था, ना तो आपके लिए ना ही हमारे लिए, परंतु फिर भी आपने और हमने मिलकर आपदा की इस घड़ी को संभावनाओं की घड़ी में बदला। स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आ सकते थे तो टीचर्स वर्चुअली उनके घर पहुंच गए। एग्जाम टेस्ट पेपर पर नहीं हो सकते थे तो हमने ऑनलाइन करना और करवाना सीखा। घर में अवेलेबल चीजों से बहुत सारी एक्टिविटीज भी की। इस बीते वर्ष ने हमें सिखाया कि लिमिटेड रिसोर्सेज से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं, पढ़ना और पढ़ाना जारी रख सकते हैं। पुरानी कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आगे भी डीएवी थर्मल आपसे इसी सहयोग की कामना करता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के आदेशानुसार स्कूल कक्षा 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए खुल गए हैं। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने इसी वर्ष 2021 में बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना है तथा कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों ने अगले वर्ष यानी कि 2022 में होने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। उनकी इसी तैयारी में सहयोग देने के लिए मेरी पेरेंट्स से ये अपेक्षा है कि वे अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें और विद्यार्थियों से मेरा आग्रह कि वो पूरी सावधानी बरतते हुए स्कूल अवश्य आए। अब तो बोर्ड ने भी परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। आप सब जान ही गए होंगे कि थ्योरी एग्जाम्स 4 मई से और प्रैक्टिकल एग्जाम्स 1 मार्च से शुरू हो रहे हैं। हम सब टीचर चाहते हैं कि आपको रेगुलर रिवीजन्स और प्रैक्टिस करवाएं ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर अपने पेरेंट्स और स्कूल का नाम रोशन कर सके। प्रैक्टिकल्स जो स्कूल बंद होने की वजह से कहीं छूट रहे थे उन्हें भी करवाया जा सके, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अपने हाथ से किए बिना आप बोर्ड प्रैक्टिकल के एग्जाम के दिन नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के खिलखिलाते चेहरे स्कूल की बगिया में फूलों के समान होते हैं। विदाउट स्टूडेंट्स स्कूल लुक्स लाइक ए डेजर्ट। स्कूल के ग्राउंड्स क्लासरूम्स कॉरिडोर्स बेंचेस सब आप स्टूडेंट्स को बहुत मिस कर रहे हैं, वह बहुत उदास है और आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। आपका वेलकम करने के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए स्कूल ने भी पूरी तैयारी की है। मेरी कुलीग मिसेस नीरो खुराना स्कूल की इसी तैयारी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगी। Over to you, Mrs. Khurana. Thank you. Thank you, Shikhi ma'am. A very happy new year to all of you. First of all, I wish you a very happy new year and I sincerely wish that new year will add more happiness and joys in your lives.
जैसे कि नया साल हमेशा हमें प्रेरणा देता है कि कुछ नया प्लान करने के लिए, इसी तरह हमें जो है यस्टरडे हमारा बीता हुआ कल हमेशा हमें कुछ सिखा के जाता है, और ईयर 2020 ने तो सबको कुछ ना कुछ सिखाया है। हालांकि ये बहुत मुश्किल था फिजिकल से वर्चुअल जाना, पर जैसा कि शिक्की मैम ने एक्सप्लेन किया, डीएवी थर्मल ने 24/7 अवेलेबल रह के वो उसको पॉसिबल करके दिखाया। अब जो है हम लोग दोबारा से जो है वर्चुअल से फिजिकल जाने की पूरी तैयारी में है, उसके लिए डीएवी थर्मल ने अपनी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। और जब भी आप विजिट करते हैं डीएवी थर्मल, आपको देखने को मिलेगा कि डीएवी थर्मल का एक नया ही रूप, जगह जगह जो है वो थर्मल स्कैनिंग जो है उसके लिए हम लोगों ने अपना स्टाफ जो है पूरी तरह से ट्रेन कर दिया है, गार्ड से लेके पियोन सभी, और जगह जगह हम लोगों ने सैनिटाइजेशन मशीन जो है वो इंस्टॉल करी हुई है, ताकि जो है प्रॉपर जो है जितना भी स्टाफ में जो है स्टाफ है जो विजिटर्स हैं वो अपने हाथ टाइम टू टाइम सैनिटाइज करते रहे। उसके अलावा हमने फायर सैनिटाइजेशन मशीन्स भी जो है फिक्सअप कर दी है, ताकि कोई भी कागज कहीं से भी ट्रेवल होके आता है तो वो प्रॉपर सैनिटाइज हो। इसके अलावा जितने भी पब्लिक एरिया जो है जहां पे भी पब्लिक डीलिंग है वहां पे कोरोना स्नीज शील्ड जो है हम लोगों ने फिक्सअप करी है, ताकि कोरोना कैंपस जो है वो सैनिटाइज होता है, वो स्टाफ ही जो है उसको जो है सैनिटाइज करता है जब क्लास खत्म होती है या जब रूम खाली होता है, देन इट इज एम्प्टी। उसके अलावा हमारी सारी प्रेपरेशन जो है बिना आपकी कोऑपरेशन के इनकम्प्लीट रहेगी। हमारी जो है सारी तैयारी के साथ हमें आपकी कोऑपरेशन चाहिए कि जब भी आप बच्चे को स्कूल भेजेंगे प्लीज उन्हें जो है प्रॉपर आप जो है वो सैनिटाइजर के साथ भेजें, प्रॉपर उनको जो है मास्क के साथ भेजें, रादर एक्स्ट्रा मास्क के साथ भेजें, ताकि कभी भी उनको कोई भी जरूरत मास्क की रहे तो उनके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सिखाते रहें और उनको बताते रहें कि आप वो अपनी चीजें जो है मे बी कॉपी पेन या कुछ भी चीज जो है अपने फ्रेंड से शेयर ना करें और ना ही अपने मास्क को बार बार टच करते रहें। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी जो है कोल्ड कफ या फीवर कोई भी सिम्टम से जो है दैट इज सफरिंग फ्रॉम दैट, कि प्लीज डोंट सेंड योर चाइल्ड टू द स्कूल। टीचर्स आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो टीचर अटेंड करने को तैयार है, लेकिन उस केस में आप प्लीज कोऑपरेट करें, और उस केस में अगर आपकी फैमिली में किसी का भी कोविड सिम्टम है तो आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजें। ठीक है, that's all from my side. Now some of our students, they have also prepared to wish you in their own style a very happy new year. Now over to our students. Thank you. Good afternoon everyone. Today we are all stepping into the year 2021, a day with a new start. New hopes inspire us to plan for the rest of the year. Every year, people make resolutions to change the aspect of themselves. A resolution is simply a promise to yourself to get something done, ideally along with the plan to make it happen. My New Year resolutions 2021 are: I will do exercise 1 hour daily. I will adopt the attitude of gratitude towards all. I will ditch some of my bad habits. I will spare few minutes for self-care. I will be tech-savvy and regulate my screen time. Happy New Year to all. Thank you. These are my New Year resolutions. First, I will complete my work on time. Second, I will decrease my screen time and develop reading habit. Third, I will plant a sapling on all festivals and celebrations. Fourth, I will increase my confidence and vocabulary while speaking. Happy New Year! My name is Janvi Kaushik and my New Year resolutions are: I will try to be organized. I will stop unproductive use of time. I will stop procrastinating all my tasks. I will be focusing on my studies better than previous year. Hello everyone! My name is Rehana. I study in DAV Public School, Thermal Colony, Panipat. I am a student of Class 5. Today, I am going to tell you about my New Year resolution to
first health. I will eat healthy food and do exercise daily. Second, study. I will learn rather memorize. Third, respect. I will respectful to my teachers and elders. Fourth, positiveness. I will have a more positive outlook. Fifth, meditation. I will do meditation practice daily. I wish you a very, very happy new year, and I hope that the year 2021 lasting health, wealth and happiness in your life. Thank you. Regular day begins with the chants of Vedic mantras and sacred fire of yaja, which wards off negativity from mind, body, soul and atmosphere. To keep the campus free from any harmful virus, sanitization of every nook and corner of school is given topmost priority. Regular checkup, temperature and oxygen level checked every morning of all the members of school. But no pandemic could take away the zeal and enthusiasm of DAVians. These little angels filled our hearts with hope, joy and pleasure by participating in various activities throughout the year. They kept the school of DAV alive even while sitting at homes. We wish to see them giggling and playing and studying in school very soon. The teachers, who are the second parents of students, remain in constant touch with the first parents of children through virtual PTMs. The school is welcoming its soul, its students, with open arms. All these gardens, these corridors, these playgrounds, these pathways, and this premises awaits the pleasure of the students' company. We will meet soon. And the audio supported of this, ma'am,
He is senior TGT and taking political science 11th and 12th also. History. Thank you so very much, ma'am. Thanks for your support. Happy New Year. Stay blessed always. Thank you. And the documentary videographed by the proud alumnus Vikas Yadav. Vikas, do you remember 2016 when I joined and you made a drawing on the bench? Do you remember? Yes, sir. I called your father immediately and you were punished to rub the bench immediately. You had one handkerchief. He is a very favorite student of our HOD painting, Anukarna man. Yes. Every child is unique. I'm really proud of you, Vikas. Vikas is from pass out batch of 2017. Proud of you. God bless. Thank you. Thank you so very much. इसी के साथ हमारे पास बच्चों के लिए दो कंप्यूटर लैब्स हैं, एक जूनियर कंप्यूटर लैब जिसमें हमारे छोटे बच्चे कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते हैं और एक हमारे पास सीनियर कंप्यूटर लैब है जिसमें हमारे पास मिडिल रैंक के स्टूडेंट, सेकेंडरी रैंक के, सीनियर सेकेंडरी रैंक के स्टूडेंट्स अपना प्रैक्टिकल्स करते हैं। दोनों लैब्स में 40-40 सिस्टम्स हैं और इसी तरह बच्चों के मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर करने के लिए हमारे पास मैथ्स गार्डन बना हुआ है जहाँ बहुत सारे मॉडल्स बने हुए हैं जिसके थ्रू हम अपने बच्चों को मैथ्स के सारे कंसेप्ट्स क्लियर करवाते हैं। जैसे कि ये एक मॉडल है, यहाँ अगर आप देख रहे हो ये हमारी जो पॉड लगी हुई है वो भी सारी मैथमेटिकल शेप्स में बनी हुई है। इसी तरह हमारे पास प्रैक्टिकल्स के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स लैब है। हमारे यहाँ लैब्स की रेनोवेशन चल रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि नए सेशन में जब बच्चे हमारे पास आए तब तक हमारी लैब्स रेनोवेशन के। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे हमारी केमिस्ट्री लैब है, फर्स्ट फ्लोर लैब और जूनियर साइंस लैब है। इधर ऊपर सीनियर सेकेंडरी विंग और सेकेंडरी विंग है। इसके अलावा हमारी फिजिक्स लैब है, जूनियर साइंस लैब है और हमारा नया प्रोजेक्ट जो है वो अटल लैब है जो ऊपर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जल्दी नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है वो बच्चों को इंट्रोड्यूस से कर पाएंगे। ये हमारा मिडिल विंग है क्लासेस 6-8 के लिए और ये हमारा कॉलोनी के बच्चों का एंट्रेंस गेट है। यहाँ से हमारे कॉलोनी के बच्चे आते हैं। बाहर सोशल साइंस गार्डन है, बच्चों को हम खुली हवा में प्रकृति के साथ पढ़ाते हैं। ये वॉशरूम हमारे बच्चों के लिए और हमारे स्कूल में हमारे पास फैकल्टी सिस्टम है, ये हमारी सोशल साइंस फैकल्टी है। अलग अलग डिपार्टमेंट है और टीचर्स सब अपने एनरिचमेंट के लिए इकट्ठे होके बैठते हैं जिससे कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट उनका हो सके। इधर हमारे बस स्टॉप है जहाँ बच्चे उतरते हैं एंड दे एंटर इन द ग्रेड एंड बिल्कुल पास में हमको रखा गया ताकि एंट्री उनकी इजी हो जाए। इधर बसेस पार्क होती हैं जहाँ से हम लोग उनको सैनिटाइज करके सारा उतारते हैं जो भी बच्चे आ रहे हैं और उसके बाद छोटा बच्चा तो उस ग्रेड से जाता है बाकी बड़ा बच्चा। हमारे यहाँ बाहर से
बहुत सारे पेरेंट्स भी विजिट करने आते हैं और देखते हैं कि इतना अच्छा और इतने ब्लाउज उन्होंने कहीं नहीं देखे हैं। मुगल गार्डन हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे डीएवी थर्मल में, उसमें एक हमारे पास एक ट्रैक है 400 मीटर का, जिसकी जो 4x2 जो 6 लेन का ट्रैक है हमारे पास पूरा। और ट्रैक जो है इसमें बच्चे एथलेटिक का जितने भी ट्रैक इवेंट होते हैं वो होते हैं, अंदर भी इवेंट होते हैं। और एक हमारे पास सबसे पहले जो एथलेटिक मीट हुई थी 1996 में, वो इसी ट्रैक पे हुई थी। और इस ट्रैक के साथ में ही हमारा एक क्रिकेट ग्राउंड है, इसमें क्रिकेट ग्राउंड में भी बहुत अच्छे अच्छे मैच हुए हैं। हमारे पास रणजी ट्रॉफी तक के मैच हुए हैं, प्री रणजी ट्रॉफी हुए हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के भी मैच हुए हैं। उसके बाद महात्मा हंसराज हमारे मैच होते थे। उसके बाद अब जो चालू हुआ है हमारा डीएवी नेशनल स्पोर्ट, जो पिछले साल भी हमने ऑर्गेनाइज कराया था, इसमें 25 गेम जो हमारे टोटल हुए थे ये सब इसी कैंपस के अंदर हुए। और हमारे पास और भी बहुत ग्राउंड है, हैंडबॉल का ग्राउंड हमारे पास है, उसके बाद बराबर में वॉलीबॉल का ग्राउंड है, ये अभी आप देख रहे हो, जो बास्केटबॉल के 2 ग्राउंड है, इसमें हमारे पास लाइटिंग सिस्टम है जो हम रात को भी मैच करा सकते हैं इस तरह से। इसके बराबर में खो खो ग्राउंड है, खो खो ग्राउंड के साथ में ही हमारे पास स्टेडियम है, जो इंडोर गेम हमारे जितने भी हुए थे सब स्टेडियम में के अंदर हमारे इंडोर गेम्स के जितने भी थे, जूडो थे, मार्शल आर्ट के जितने गेम थे, ताइक्वांडो था, कुछ हमारे बाहर भी हुए थे, लाइट में हुए थे। इसके साथ साथ इसकी बराबर ही सिमिलर हमारा एक फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड के साथ साथ हमारे उसमें लॉन्ग टेनिस ग्राउंड है, लॉन्ग टेनिस में अभी हमारे मैच हुए थे रात को, वो भी हमारे लाइटिंग सिस्टम था चल रहा था। उसके बाद बॉक्सिंग रिंग है हमारे पास, बहुत अच्छा रिंग है, बॉक्सिंग रिंग है जो बहुत कम डीएवी स्कूलों में होता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा जो है बच्चे जो जाते हैं उसमें। हॉर्स राइडिंग का ग्राउंड है, इसके साथ साथ हमारे जितने भी नर्सरी में है स्केटिंग की हमारे पास जो है वो बहुत बड़ा अच्छा ग्राउंड है, जो हमने स्केटिंग का जो टूर्नामेंट होता है वो भी हमने कराया हुआ है बहुत अच्छे लेवल पर, नॉर्थ जोन तक हमने सीबीएसई कराया है, सीबीएसई के बहुत अच्छे टूर्नामेंट कराए, डीएवी के हमने अपने नेशनल टूर्नामेंट कराए हुए हैं। इसके साथ साथ और भी हमारे पास जो ग्राउंड है मार्शल आर्ट के ग्राउंड के बाद एक स्विमिंग पूल है हमारे पास, जिसमें कि हमारे पास 2 स्विमिंग पूल हैं, एक ऊपर का स्विमिंग पूल है, एक नीचे का स्विमिंग पूल है। और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे अभी स्विमिंग में भी बड़े अच्छे रिजल्ट हमारे हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक के बच्चों के रिजल्ट हैं, इनके वजह से बच्चों के बड़े अच्छे अच्छे एडमिशन भी हुए हैं। जो उसके साथ साथ हमारे यहाँ इंडोर गेम की भी फैसिलिटी है, इंडोर गेम में जैसे चेस है, कैरम है, जिम है हमारे पास, टीटी की हमारे पास 6 टेबलें हैं। इसके साथ साथ हमारे इंडोर गेम्स भी हैं और जो और भी गेम हैं जो हमारे बच्चे जाते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग का है, इसमें भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा डीएवी का एक पूरा डेवलप है। और हमारा जो डीएवी के जितने भी गेम्स होते हैं वो सब एसजीएफआई से जब एफिलेटेड हुए हैं, तो उसके बाद हमने और भी स्ट्रक्चर और आगे बढ़ाने के लिए जो टोटल 25 गेम हुए थे उसके साथ साथ अब हम वो सोच रहे हैं कि इसमें और जो गेम है वो भी कराया जाए। तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है डीएवी का। तो हम लोग गेम्स के प्रति बच्चों को बहुत जागरूक करते हैं और बच्चों को हैं कि आप कोई भी गेम जो है स्पोर्ट्स का वो एक्टिवेट करो या उसको पार्टिसिपेट करो। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, यस मैम, हाँ जी, हो गया स्टार्ट, हो गया स्टार्ट है, हाँ जी मैम, यस प्लीज, हाँ जी। थैंक यू सो वेरी मच ग्रुप फोटोग्राफ।